कुछ ही समय पहले भारत में Realme ब्रांड आया था जो Realme 1 फोन लेके आया और अब आया है वो लेके Realme 2। जी हाँ, आज ही ये फोन लॉन्च हुआ है भारत में। बताएंगे आपको इसकी कीमत, फीचर्स और डिजाइन के बारे में। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूँ श्रुति शर्मा। Realme 2 की अनबॉक्सिंग आपको एक्सक्लूसिवली टेक तक पर दिखा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या बॉक्स में कंटेंट है, फोन किस तरह का दिखता है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो देखते हैं फोन किस तरह का दिखता है, आपको इसके फीचर्स बताएंगे, इसकी कीमत बताएंगे और साथ ही देखते हैं कि Realme 1 के बाद अब Realme 2 किस तरह का है। आप देख सकते हैं द बेस्ट पार्ट हियर अबाउट द बॉक्स इज बहुत ही नीट लुक दिया गया है। आप देख सकते हैं द पैकेजिंग इज वेरी वेरी नीट। बॉक्स पे कुछ भी नहीं है फिलहाल और साथ ही आपको बता दें कि ये रिव्यू यूनिट है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप खरीदने जाएंगे देर बी अदर स्पेसिफिकेशन, बट इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस, क्लैरिटी, इट्स वेरी वेरी स्मार्ट। यहाँ दिया गया है रेड कलर रियलमी एंड द 2 विच इज द मॉडल नंबर। अब देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। दिस इज हाउ द फोन लुक्स लाइक। बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। अब रियलमी के बाद रियलमी 2 भारत में आ गया है और देखते हैं कि ये फोन अब उन्होंने कैसा बनाया है। दिस इज हाउ द फोन लुक्स लाइक। रियलमी, अगर आपको याद हो तो उसके बैक साइड में एकदम कटिंग डिजाइन था और वही कुछ यहाँ पे भी दिया गया है। वेल, दिस वी कैन से इज द यूएसपी ऑफ द रियलमी स्मार्टफोन्स। रियलमी जो 1 था उसमें भी बैक साइड में कुछ इसी तरह का डिज़ाइन दिया गया था जिसे कि डायमंड कटिंग डिज़ाइन कहा गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे और वही रियलमी 2 में भी दिया गया है। सो दिस इज़ द फोन। इसको स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं और देखते हैं अब कि बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट दिए गए हैं। तो ये रियलमी 2 के बॉक्स कॉन्टेंट, अडाप्टर दिया गया है चार्जिंग के लिए, देर इज़ अ माइक्रो USB केबल, वही साथ में बैक कवर दिया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोन, सिम इजेक्टर है एंड ऑफ कोर्स द रियल थिंग विच इज द रियलमी 2। अब क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो है तो जल्द आपको बता देते हैं इसके डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में। आप देख सकते हैं डायमंड का डिज़ाइन दिया गया है इसका, जो कि 12 लेयर से बना है। 2.5D नैनो स्केल कॉम्पोजिट मटेरियल है जिससे कि ये बनाया गया है, ये लेयर्स जो क्रिएट करे गए हैं। सनशाइन में भी अगर आप जाएंगे तो ये कलर्स जो है एक तरह से रिफ्लेक्शन देते हैं। कभी कोई डायमंड का कट आपको ब्राइट लगेगा और कहीं ये डार्क लगेगा, तो ये कलर्स जो है असली वो धूप में निकल के आते हैं। आपको हम कुछ तो हम यहाँ दिखा पा रहे हैं, बाकी सन में आप देख सकते हैं डायमंड का खूबसूरत डिज़ाइन है। कलर्स जो है आपको डायमंड रेड, डायमंड ब्लू और डायमंड ब्लैक में मिलेगा। जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं नॉच डिज़ाइन यहाँ दिया गया है, दिस इज़ द नॉच डिज़ाइन गिवन हियर। और वहीं आपको बता दें कि नॉच अबव इसका जो टैगलाइन है वो दिया गया है इस फ़ोन का। काफ़ी हल्का फ़ोन है, काफ़ी स्लीक फ़ोन है। 168 ग्राम्स इसका वज़न है और आपको बताएं कि स्क्रीन साइज़ जो है आप देख सकते हैं 6.2 इंचेस का है और सुपर व्यू है इसका। 18:9 एस्पेक्ट रेशो है, बिल्कुल बेजललेस है फ़ोन। सिर्फ इसके बेजललेस डिज़ाइन के साथ आपको नॉच यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है, विच इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन है इस फ़ोन का और बहुत ही बेहतरीन दिखता है पीछे से भी और उतना ही आगे से भी। वेल, आगे के फीचर्स की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 दिया गया है और साथ ही जो बाकी प्रोसेसर है उसमें है एड्रीनो 506 और ऑक्टाकोर 1.8 GHz। कलर OS पे ये चलता है, कलर OS 5 इसमें दिया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का UI है इसका और आपको बता दें कि ये एंड्रॉयड पे चलता है। जी हाँ, एंड्रॉयड ओरियो पे इसको चलाया गया है और बहुत ही जल्द इसमें एंड्रॉयड पी यानी पाए का भी अपडेट आपको मिल सकता है। और आपको बता दें कि इसकी बैटरी जो है बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ, बैटरी जब मुझे पता चला तो आई वॉज़ वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, वहीं बैटरी इसकी इसे और भी खूबसूरत बनाती है। 4230 mAh की इसमें बैटरी है। आपको बता दें ये AI पावर भी मैनेज करता है और वहीं आपको बता दें कि अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी इसकी आपको मिलती है, लगभग 44 घंटे। जी हाँ, 44 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप है। 4230 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बेहतरीन है।
अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैमरास के बारे में। रियर में आप देख सकते हैं जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। वहीं इसमें बुके इफेक्ट है और एआर स्टिकर्स भी दिए गए हैं, ब्यूटी इफेक्ट भी दिया गया है इसमें, और फ्रंट में है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। पर आपको बता दें कि रियलमी 1 में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया था। जी हाँ, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया था, तो इस बात को अब रियलमी ने पहचाना जाना और Realme 2 में अब आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर पासकोड पिन कोड के साथ है, फेस अनलॉक फीचर, AI फेस रिकॉग्निशन है इसमें, सो दैट्स प्रीटी क्विक। वहीं आपको बता दें कि अब ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 3GB रैम और 4GB रैम के साथ। और वहीं इंटरनल स्टोरेज है 3GB के साथ 32GB और वहीं 4GB के साथ इंटरनल स्टोरेज दी गई है 64GB। ये देखिए कुछ इस तरह का फ़ोन है ये, और अब आपको दिखाते हैं इसके सिम स्लॉट्स भी, क्या सिम ट्रे दी गई है। सब खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये डुअल सिम फ़ोन है और उसके साथ माइक्रो SD कार्ड भी दिया गया है इसके साथ डेडिकेटेड, यानी ट्रिपल स्लॉट है ये, डुअल सिम है, एक्सपैंडेबल में है विद मेमोरी कार्ड अप टू 256GB। बॉटम में आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल दिया गया है, माइक्रो USB दिया गया है, टाइप सी नहीं है इसमें, साथ ही दिए गए हैं माइक और यहाँ पे 3.5mm जैक। ऑन द राइट साइड ऑफ द फोन सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन, और यहाँ पे दिया गया है पावर बटन, और ऊपर की तरफ बिल्कुल नीट लुक छोड़ा गया है।